दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग पे दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे प्रशिक्षु इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब वो ये नहीं सोच पा रहे उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ये मान रहे हैं कि मैं इस लिखित परीक्षा से बाहर हो गया हूँ। उनके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं, कोई 78 है, कोई 79 है, कोई 80 है, कोई 81 पे, कोई 88 पटका हुआ है, 87 पटका हुआ है। वे लोग इस बात को मान बैठे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके अंदर अभी जज्बा और जुनून है, आप अभी इतिहास रच सकते हैं। इतिहास रचने के लिए अभी समय आपके लिए बहुत है। अगर आपके पास अंग कम हुए हैं तो आपको अभी दुगने जोश के साथ अभी लगना है, अभी आपको सीटेट देना है। और पता है, अरे एक जीत से क्या कोई सिकंदर बन सकता है? अभी तो ये आगाज हुआ है, अभी तो आप मैदान में उतरे हैं, हमें गलतियों से सीखना है और हम इतिहास बनाएंगे। और आप सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ, मतलब दुगने ताकत के साथ, अपनी कमियों को पहचानते हुए आप सीटेट में लग जाइए। अभी भी आपके पास लगभग 15 दिन से ज्यादा का समय बचा है, और अभी ये समय नहीं है बचा कि अरे यार सर पिटने का, मैंने क्या किया, मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। ये समय अगर फालतू गंवाने की जगह, रोने की जगह अगर हम आप किसी और पॉजिटिव जगह लगाएंगे ना, तो इतिहास खुद ब खुद बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, अभी भी उठाइए और मुद्दल के आइए, ठीक, और हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा खुश होके सीटेट के लिए लग जाइए। क्योंकि अगर हम इस गलती की वजह से अगर 3 दिन तक परेशान रहते हैं तो पता है 3 दिन की पढ़ाई खत्म, जो ये गई, उसके बाद मेंटल डिस्टर्ब, तो अगला परीक्षा जिस तरह ये खराब हुआ है वो भी खराब हो जाएगा। और अरे यार पता है, अगर आप यूपी टेट की भर्ती परीक्षा में नहीं सम्मिलित हो पाए, भाड़ में जाए, दूसरे होंगे, आपको पता है यदि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं, सीटेट, तो आप केंद्र सरकार की KBS, DSSB आदि वैकेंसियों के लिए इजबल हो जाएंगे। पता है वहां लोगों की सोच नहीं जाती, आपकी सोच जाएगी। पता है वहां जाने के लिए कोई लिखित एग्जाम नहीं है, वहां पे आपको केवल और केवल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, इन सभी का अध्ययन करके आप 2 स्तरीय परीक्षा देके अच्छे जगह जा सकते हैं। और एक फायदा, आप वहां के परीक्षा देके एक चीज और है कि आप वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाएंगे, और आपके जो बच्चे हैं जिनके लिए हम आप पढ़ रहे, पता है वास्तविकता ये लगता है कि हम अपने लिए पढ़े, नहीं, हम अपने लिए नहीं पढ़ते, इस तरह हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं। उनकी अगर शर्ट फटी रहती है जरा सा, स्वेटर भी है ना, कहते हैं बेटा इस बार मेरा चल जाएगा, हम आपके लिए नया बनवाते हैं। उसी तरह आप भी वास्तव में अपने आने वाले जनरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हो सकता है भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर जगह बना के रखी हो सकता है KBS में होने के लिए बने हो, DSSB में होने के लिए बने हो, तो पता है यहाँ से 8 से 10 हज़ार रुपए की सैलरी ज्यादा, जो यूपी में अध्यापक रहेंगे, उसके बाद आप शहर में रहेंगे तो जो आपके बच्चे होंगे वे भी उसमें आपको कोटा मिलेगा, उस कोटे के तहत एडमिशन होगा। अगर आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों की इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। 2 बच्चे हैं, अगर 5-4 हज़ार रुपये महीने गिरा 2 बच्चों का, 8 हज़ार, तो 8 हज़ार रुपये कम हुआ। अगर वही आपका बच्चा KVS, नवोदय विद्यालय, DSSB में एडमिशन लेगा तो ये पैसे आपके बचेंगे। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से वीजा प्लस और एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा समाज आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अभी उठिए और दुगने जोश के साथ अपनी कमियों को मूल्यांकन करिए, और मैं आपके साथ हूँ। जिस प्रकार की समस्या आपको आती है मैं आपका सुलझाऊंगा, और आपको तब तक साथ लेके चलूंगा जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। ये समय नहीं है सोचने का, ये समय नहीं है अपने आप को कोसने का, यह समय नहीं है रोने का, यह समय है फिर से उठने का। उस मोहम्मद गजनवी की तरह 17 बार हारते हुए गया और लगातार वह नई रणनीति बनाया, लगातार दुगने मेहनत किया और जीत हासिल की, और भारत में 400 साल 500 साल गुलाम रहना पड़ा भारत को। 1911-12 में ना, 1912 में भारत में घुसा और हम आजाद हुए आके 1947 में। अगर काश काश उस बार भी अगर वह हार गया होता तो भारत ये 500 साल गुलामी की, 500 साल तो मुसलमानों के, उन तुर्कियों के, 200 साल अंग्रेजों के, या गुलामी का तंज हमें नहीं झेलना पड़ता। उस तंज के लिए कहीं न कहीं वह उसका, हम भले एक भारतीय होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका आत्मविश्वास साथ था। अगर वह भी हमारी तरह थकार के बैठ जाता तो क्या 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 500 साल मुसलमान हम पर शासन करते, क्या 200 साल अंग्रेज हम पे शासन कर ले जाते? नहीं कर पाते। और भारत सोने चिड़िया थी, है और रहेगी, क्योंकि आप जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में है। और मुझे पता है आप अभी उठेंगे और लगेंगे, किताबें उठाइए, खंगालिए और पढ़िए, सीटेट में के लिए तैयारी करिए। क्या जरूरत है आपको? मॉक टेस्ट चाहिए? मैं आपको 20 मॉक टेस्ट देता हूँ। चलिए आइए मेरे फेसबुक पेज पे, फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है ई लर्निंग विद दुर्गेश, वहां जुड़िए। मैं आज से या आज शाम से ही मैं आपको 20 मॉक टेस्ट दूंगा, और वो मॉक टेस्ट पूरी तरह ऑथेंटिक है,
और वहां से क्वेश्चन को तरीका पता होगा कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद यदि आप फेसबुक पे नहीं है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, सर्च करिए दुर्गेश सर, ध्यान दीजिएगा स्पेस मत दीजिएगा, दुर्गेश सर। जैसे आप दुर्गेश सर डालेंगे ई लर्निंग में, दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पे पूरी स्टडी मटेरियल दूंगा। आप पास होंगे यार, आपके अंदर जुनून है, कितना 2 से 3 नंबर कम हुआ ना वो आप सीटेट में कवर कर लेंगे, और हो सकता है भगवान आपको कहीं और के लिए बनाया हो। और मुझे भी लगता है आप मुझसे बेहतर, हम लोग से बेहतर कंडीशन आपकी रहेगी। और अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए अगर आप लोग का DSB में हो जाएगा या कहीं और हो जाएगा, मिठाई जरूर खिला दीजिएगा। अच्छा हाँ, जिनके होगा उन्होंने तो मुझे मिठाई पूछा ही नहीं, चलिए फिर भी भगवान करे आप मुझे मिठाई न खिलाए, फिर अपने माँ बाप को मिठाई खिलाइएगा। और पुनः उठिए, जागिए और लग जाइए, मैं आपके साथ हूँ। जो समस्या होगी सीटेट से संबंधित, प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा संबंधित, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि मैं और कोचिंग की तरह नहीं है कि बस आप आए मुझे पैसा ले जाए, मुझे आपके भविष्य खिलवाड़ नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि आप मेरे भाई के समान है, आप मेरे बहन के समान है, आप मुझसे अग्रज भी हो सकते हैं, मुझसे अनुज भी हो सकते हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि यदि मेरे लायक ऐसी कुछ चीज है जिससे आपकी मदद हो सकती है तो मैं आपके साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे एक वजह से आपका परिवार, आपका घर बच जाए, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। कुछ नहीं करना है, बस उठिए, किताबें उठाइए, फिर शुरू हो जाइए। ये समझिए कल मेरा सीटेट का एग्जाम है, लग जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा नंबर ला के अर्जित करेंगे। और हाँ, मिठाई जरूर खिलाइएगा, ये नहीं है कि आप नंबर अर्जित कर ले हमें भूल जाइएगा। और अपने माँ बाप को अगर हो सकेगा तो मुझे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, असली मेहनत तो आप करेंगे और आपके माँ बाप करेंगे। और सही बात है यार, ये बताओ आपका नंबर कम है ज्यादा है, पता है जितना आप परेशान हो उससे ज्यादा हमारे माँ बाप परेशान होंगे। तो क्यों आप इतना परेशान होंगे? परेशान होने से कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। आप उठिए और साथ आइए। क्या चाहिए आपको? किस सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही सीटेट के, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा, मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। कि मेरा उद्देश्य सब लोग साथ आए, सब लोग, क्योंकि पता है अकेले में ताकत नहीं होती, अगर आप साथ रहेंगे ना उसका जुनून, उसका मजा ही कुछ और है। बस खाली साथ आइए, आप लग जाइए, मुझे जो आपको चाहिए मैं आपको दूंगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, मैं सब कुछ दूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा। अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं फिर भी मैं आपके लिए करूंगा। बस आप केवल मेहनत से पढ़िए, मुझे अपने जिंदगी के 10 घंटे दीजिए, मैं आपको आपके कदमों में आपको नौकरी डालूंगा। बस आप अपने जिंदगी के प्रतिदिन 10 घंटे मुझे दीजिए, नहीं पैसा है मैं पैसा दूंगा, नोट्स मैं दूंगा, फ्री में चाहिए ना फ्री में दूंगा, जो आपको चाहिए। बस आप पढ़िए, लगे रहिए और इस वीडियो को सभी तक शेयर करिए। हो सकता है आप काबिल हो, आपकी जरूरत की ना हो, हो सकता है कोई भाई बंधु पर सच्चू अग्रज अनुज ऐसा हो जिसके पास पैसे की समस्या हो, रिसोर्स नहीं हो, ऐसे कोचिंग वाले हो जो पैसे के नाम पर का शोषण करते हो, पढ़ाते एक अक्षर का ना हो। लोग कहते हैं ना पढ़ाते सब है, अरे यार 18 सब्जेक्ट लिखित में है, पता है लोग कहते हैं 5,002 4,002 पढ़ा दे रहे हैं, पता है बच्चों केवल केवल गुमराह करने के लिए 18 सब्जेक्ट कैसे खत्म करेंगे? जाके उनसे पूछिए 18 सब्जेक्ट कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, तो फिर आप पूछिएगा कि ये टीचर है ये सब्जेक्ट, तो पता है क्या करेंगे, ये पढ़ा देंगे, वो SSC वाले, बैंकिंग वाले, रेलवे वाले, IAS PCS वाले, वही आगे कहेंगे पढ़ाएंगे। क्या आपको पता है यार, एक प्लम्बर जो आपके वो करता प्लम्बरिंग काम करता है वो बेहतर दीवार नहीं जोड़ सकता, एक इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रॉनिक काम करता है वो आपके घर के प्लास्टर नहीं कर सकता। सबके काम अलग अलग बटे होते हैं, लेकिन हम आप पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट BTC BEd होने के बाद भी ये जज नहीं कर पाते कि वो जिस कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से पढ़ने जा रहे हैं, क्या इस व्यक्ति का इस क्षेत्र में कोई महारत है या नहीं है। बस हम वही कहते हैं ना, भारत की जनता चाहे चुनाव आ जाए तो नेताओं के सामने मतलब चाटुकारता का आगे सब बेहाल है। सही बात है, आप इस बात को जज करिए। आपको ये सोचना होगा कि ये नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है, एक बार ये आपका अधिकार है, संस्था में जाइए, ठीक है मैं आपको पैसा दूंगा, कौन सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाएगा, कितना दिन में कोर्स खत्म होगा, क्योंकि आपके पास आज से लगभग 40 दिन है यार, वो आपकी जिंदगी सबसे अहम 40 दिन है। आप इसमें इतिहास बना सकते हैं, आप इसमें इतिहास बिगाड़ सकते हैं, इतिहास बनेगा चाहे पास हो या फेल हो, क्योंकि पास हुए तो भी इतिहास, फेल हुए तो भी इतिहास। अरे यार मैंने कहां समाज कोचिंग में एडमिशन ले लिया, इसलिए समय है आपके पास, मत देखिए मुंह, लग जाइए यार, लग जाइए, समय है, मैं आपके साथ हूं, अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट UPSC IAS MAIS लिखा हूँ, मुझे दर्द पता है सिलेक्शन न होने का दर्द क्या होता है, लोग किस तरह लोगों को गुमराह कैसे करते हैं मैंने देखा। पता है पैसे के नाम पे लोग
अभी इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको, मतलब इकोनॉमिक्स कहता है एडम स्मिथ की ये धन का विज्ञान है, पैसा आना चाहिए सोर्स कुछ भी हो, उनसे ये मतलब नहीं आपका सिलेक्शन हो या ना, उनसे फीस से आपके मतलब है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपके पास पैसे नहीं, आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं आपको पूरी नोट्स दूंगा, पूरी वीडियो लेक्चर दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा तब तक जब तक आपका सिलेक्शन हो जाए। बस मुझे आपसे एक चीज चाहिए कि आप जिस विद्यालय में जाइएगा उस विद्यालय में मेहनत से पढ़ेगा, क्योंकि प्राइमरी में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, वही मेरी आपकी गुरुदक्षिणा होगी मेरे लिए। बस एक वादा मुझसे करिएगा कि आप जिस प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां गरीब के बच्चे जाते हैं, बड़े लोग जिनके मतलब मासिक आय जिनकी 5000 से ज्यादा मंथली ज्यादा है ना, उनके बच्चे कानून पढ़ते हैं, वहां उन गरीबों के बच्चे जाते हैं, वो इतिहास रच सकते हैं, वो हमसे भी आगे जा सकते हैं अगर उन सही गाइडलाइन और सही दिशा में पढ़ाया जाए, मेहनत से पढ़ाया जाए। कुछ नहीं करता, गवर्नमेंट आपको 40,000 देगी, हमें 40,000 देगी, बस ईमानदारी से पढ़ाना है। तो आप पता है बस वही आप मेरे लिए गुरु दक्षिणा कर दीजिएगा, वही मुझे दे दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं सर मैं आपके पास सैलरी दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप एक वादा करिएगा, मैं आपके लिए अपनी जिंदगी का बेस्ट दूंगा 100%। बस आप जिंदगी के 10 घंटे दीजिएगा, क्योंकि आप वो कर सकते हैं, मैं आपके साथ जरूर करूंगा। बस आप लगे रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ, किसी प्रकार कोई समस्या होती है मुझे कमेंट करिएगा। हाँ, और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6306344367 यहाँ पे आप नोट्स ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ आपको उपलब्ध है। बस आप साथ दीजिए, हम परिणाम देने के लिए आपके साथ तत्पर है, हमने परिणाम दिया है, हमने करके दिखाया है, हम केवल कथनी पे नहीं करनी पे विश्वास करते हैं। और हम आगामी 40 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आपको इसी चैनल पर दिखाएंगे और आप देखेंगे और दांतों तले उंगली दबाएंगे कि वास्तव में दुर्गेश सर ने जो कहा वो करके दिखा, और हाँ मैंने टेट में भी कहा और करके दिखाया, आगे करते भी रहेंगे, दिखाते भी रहेंगे। और अच्छा हाँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो अनलाइक करते हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत कि जिसका जैसा परिवेश होता है ऐसा वो कमेंट करेगा, तो आप सभी का स्वागत है। आप बेफिक्र होकर कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे आपकी मानसिकता और आपके परिवार की जो वातावरण है वो परवरिश है, वो झलकता है, और हम चाहेंगे हमारे सभी साथी उस झलक को जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।